सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस ना कर पाए। बस 15 मिनट इसे लगाओ और देखो चेहरा कितना गोरा होता है। नमस्कार, भंडार टीवी के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के भंडार टीवी के इस वीडियो में मैं आपको चेहरे का गोरापन बढ़ाने के बारे में बताने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं जो आपको तरीका जो नुस्खा बताऊंगा, उस नुस्खे को अगर आप लगाते हैं अपने चेहरे पर, तो यह नुस्खा आपके चेहरे के पोर्स मतलब कि रोम छिद्र के अंदर जाकर के उन्हें डीप क्लीन करेगा, साथ ही साथ डीप क्लीन करके उन्हें प्लेन बनाएगा जिससे आपका चेहरा मुलायम होगा। साथ ही ऐसा करने के साथ साथ आपके चेहरे का गोरापन भी बढ़ाएगा। अगर आप अपने चेहरे के कालेपन से बहुत ज्यादा परेशान हैं और उसे ठीक करने का उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में बताए गए तरीके को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये तरीका, ये नुस्खा आपके चेहरे का कालापन हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आप हमारे चैनल भंडार टीवी की इस प्रकार की नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देख पाए। आइए जानते हैं कि हमें नुस्खा किस प्रकार से तैयार करना है। हमारे इस नुस्खे की सबसे पहली चीज होगी चंदन का पाउडर। ये जो यहां पर मैंने इस डब्बे में चंदन का पाउडर लिया है, ये मैंने पतंजलि का चंदन पाउडर लिया है। आप चाहें तो किसी भी और ब्रांड का ले सकते हैं। ये जो चंदन पाउडर होता है, ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसकी मात्रा आपको कितनी लेनी है, आइए जान लेते हैं। देखिए, ये रहा चंदन पाउडर, आपको इसे आधा चम्मच यहां पर ऐड करना है। आपको मैं एक बात बता दूं कि इस नुस्खे को किस प्रकार से लगाना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। आइए जानते हैं हमारी यहाँ की दूसरी चीज। देखिए, यहाँ की हमारी जो दूसरी चीज है वो रहेगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा ड्राई है या ऑयली भी है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और उसे अच्छा बनाने में मदद करता है। यहां पर एलोवेरा जेल आपको एक चम्मच ऐड करना है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। एक चम्मच एलोवेरा जेल डाल लेने के बाद आपको यहां पर जो तीसरी चीज प्रयोग करनी है वो रहेगा शहद मतलब हनी। यह जो हनी होता है दोस्तों, ये चेहरे पर इस्तेमाल किया जा सकता है और चेहरे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मैंने यहां पर पतंजलि का हनी यूज किया है, तो देख लीजिए इसकी भी मात्रा कितनी है। हनी की मात्रा आपको यहां पर आधा चम्मच ऐड करनी है। और अब अंत में यहां पर आपको इस्तेमाल करना है बादाम का तेल। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि जिन लोगों का चेहरा ऑयली है वो यहां पर बादाम का तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिन लोगों का चेहरा ड्राई है वो यहां पर बादाम का तेल बिल्कुल इस्तेमाल करें। आइए जान लेते हैं मात्रा कितनी रखेंगे। तो इसकी जो मात्रा है वो यहां पर आपको आधा चम्मच ऐड करनी है। इस प्रकार से आधा चम्मच बादाम का तेल इसमें डालें और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लें। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देख लें, ताकि आपको यह तरीका भी समझ आ जाए कि किस प्रकार से आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना है और अच्छे रिजल्ट पाने हैं। तो चलिए हम इसे मिला लेते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारा जो नुस्खा है ये बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब जानते हैं हमें इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने चेहरे को गुनगुने पानी से साफ करना है। गुनगुना पानी ना ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है। गुनगुना पानी नॉर्मल पानी से थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता है। तो आपको गुनगुना पानी तैयार करना है और उससे अपने चेहरे को साफ करना है। चेहरा साफ करने के बाद आपको इसे अपने हाथों पर लेकर के इस प्रकार से अपने चेहरे के ऊपर सर्कुलर मोशन में लगाना है। इस प्रकार से सर्कुलर मोशन में आपको इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लेना है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आपको लगाना है। इस तरह लगा करके
आपको इसे 15 मिनट सिर्फ रखना है। 15 मिनट इसे लगा करके अगर आप रखेंगे तो ये आपके चेहरे को बहुत ही ज्यादा गोरा बना देगा, साथ ही साथ रोम छिद्र की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा और आपका चेहरा मुलायम बना देगा। इस रेमेडी को वीक में सिर्फ 3 बार आपको प्रयोग करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो फायदे मैंने आपको बताए ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। अगर आपको भंडार टीवी का आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप हमारे चैनल भंडार टीवी की इस प्रकार की नई वीडियो सबसे पहले देख पाए। धन्यवाद दोस्तों।